यू टर्न कर लो वापस, रिटर्न यू टर्न। फूल एंड सूट रेडी चाहते हैं हमारे सर को, ये अप्रोच किए थे हमें दो तीन महीने पहले, चलो एक ग्रीन एंड हेल्दी इंडिया मिशन लेके हमारे कैंपस जो मणिपाल के सारे कैंपस हैं इंडिया में कनेक्ट करते हैं। तो हमने शुरू किया इसको, पहला फेज था मणिपाल टू बैंगलोर 150 किलोमीटर, सेकेंड फेज था मणिपाल टू बैंगलोर 1000 किलोमीटर कम्प्लीट किया। अभी जयपुर था एक कैंपस, तो हमने विंटर वैकेशन में स्टार्ट किया 10th दिसंबर को, तो आज 29 दिसंबर को इधर पहुँच गए। सो होल एंड सो आइडिया रास्ते में किस तरीके से लोगों ने मोटिवेट किया, क्योंकि मणिपाल के स्टूडेंट्स हैं और बहुत बड़ा एक अभियान चल रहा है इस पूरे देश भर में इसको लेकर, पूरे इंडिया में, मतलब जहाँ भी हम जो भी सिटीज़ में गए बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। रोटरी क्लब ने हमें हर सिटी में बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है, और भी रास्ते में बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल्स में हम रुके, बच्चों से इंट्रैक्शन किया, बहुत लोग प्रभावित हुए हमसे और उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा पूरी जर्नी में, और आगे भी मतलब हम ऐसे ही मिशन करते रहेंगे। एक क्या थिंकिंग कैसे आई कि ऐसा एक मोटिवेशन, या बोलें कि बाइक लेके निकल सकते थे, कार लेके निकल सकते थे, या पैदल भी निकल सकते थे, साइकिल ही क्यों चुना? जी पहले तो हमारा मिशन है ग्रीन एंड हेल्दी इंडिया, तो ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए एक कोई माध्यम होना चाहिए, और साइकिलिंग से बेटर माध्यम कोई है नहीं। और ये सिर्फ मतलब दिखाने के लिए नहीं है, हम डेली पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम ऑफिस जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे, तो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर हम साइकिलिंग कर सकते हैं। तो ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए ये है, प्लस हेल्दी वे, क्योंकि इससे आपका एक्सरसाइज होता है, बॉडी फिट रहती है। तो उन दोनों मिशन के लिए हमें चुनना था एक ऐसा माध्यम जो कि बिल्कुल सही बैठेगा, तो उसके लिए साइकिलिंग बिल्कुल सही है। और हम सारे जो हैं, हम साइकिलिस्ट हैं, हम लोग प्रोफेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं जी, हम तीनों और हमारे और बाकी भी मेंबर्स हैं। तो हम लोग ने सोचा कुछ ऐसा करना है जिससे एक सोशल मैसेज भी जाए और हमें भी कुछ करके दिखाने का मौका मिले, प्लस हम जो कॉलेज में बिलोंग करते हैं उस कॉलेज का एक हम मैसेज लोगों तक पहुँचाएँ। तो उसके लिए हमने ये अभियान का सोचा और फिर इसको मतलब करके करने का सोचा और फिर करके दिखाया। किस तरीके का मोटिवेशन, मतलब कॉलेज की तरफ से आपको कैसा सपोर्ट मिला, क्योंकि बाहर भी आप गए हैं? जी इस अभियान में हमने 4 कैंपस कनेक्ट किए हैं, एक मणिपाल कर्नाटक है, मणिपाल बैंगलोर कर्नाटक, मणिपाल बैंगलोर कर्नाटक और मणिपाल जयपुर। तो इन 4 कैंपस की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट मिला है, और हमारा जो मेन कैंपस है कर्नाटक मणिपाल में, तो उन्होंने हमें पूरी तरह से सहयोग किया, जितना भी हमको सब सहयोग चाहिए था, जो भी हमें चाहिए था, जिस तरह के सहयोग चाहिए था, वो सब हमें प्रोवाइड किया है। और प्लस रोटरी क्लब जो है, उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया सारे शहरों में। हम लोग 4 राज्य घूमे हैं अभी तक, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, उनमें तकरीबन 20 शहरें हमने गुजरी हैं, और वहाँ पर सभी जगहों पर रोटरी क्लब की तरफ से हमें बहुत सहयोग मिला है, प्लस मणिपाल यूनिवर्सिटी कर्नाटक और राजस्थान कैंपस की तरफ से। और बाकी रास्ते में जो भी मिल रहे हैं हमको ऑन द वे, रिलेटिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड फैमिली, और बाकी जो भी इसी मीडिया पर्सन है ऑन द वे एंड हियर इन मणिपाल इन जयपुर, इन सबका हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है हर तरफ से। बात करना चाहिए वहाँ मणिपाल में किस तरीके का, अभी आप जो एजुकेशन ले रहे हैं कौन सा फील्ड है, क्योंकि ग्रीन एनवायरनमेंट को लेकर बात करें, क्योंकि ये सोच जो होती है या तो MBA वाले बच्चों की होती है या टेक्निकल फील्ड वाले। एक्चुअली हम सब इंजीनियरिंग फील्ड के हैं, मैं कॉलेज का प्रोफेसर हूँ MIT मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन डोमेन का, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अंचल राठी ये राजस्थान का लड़का है, लेकिन
लेकिन MIT में एलुमनी है ये, 2015 बैच में पास आउट किया था कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। सागर कलबुर्गी रहने वाला कर्नाटक का है, लेकिन अभी मणिपाल यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर का एरोनॉटिकल स्टूडेंट्स हैं। हम तीनों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं। हम लोगों को पहले से ही साइकिलिंग का शौक था, हम काफ़ी सारे इवेंट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और काफ़ी सारे टूर हम लोग कर चुके हैं सोलो एंड टीम। तो जब हम टूर कर रहे थे तो सोलो टूर कर रहे थे तो हमें लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि लोगों को भी एक इंस्पिरेशन मिले, तो ये हमने सोचा। और जैसे बोलते हैं इंजीनियरिंग इज़ द इनोवेटिव वे ऑफ थिंकिंग, तो हमने इंजीनियरिंग किया है तो हमें ये पता है कि कुछ अलग करके दिखाना है, कुछ अच्छा करके दिखाना है, सोशल वे में भी और अपने लिए भी। तो उस दौरान हमको ये काफ़ी सारी सोच आई थी और हम सब ने कुछ ना कुछ किया है अपने पास्ट लाइफ में। सागर ने 1000 किलोमीटर सोलो किया हुआ है, अंचल राठी ने काफ़ी सारे ट्रेनिंग किए हुए हैं पर्सनल लेवल पर, मैंने भी कन्याकुमारी से कश्मीर सोलो साइकिलिंग किया हुआ है 2016 में, 3500 किलोमीटर थे 23 दिन में। तो हम जब भी हम ये कर रहे थे तो अकेले कर रहे थे, तो अब सोचना है कि एक टीम लेके चलते हैं, एक पूरी टीम के साथ जाएंगे और एक मैसेज लेके जाएंगे। तो उसके चलते हमने ये किया और बाकी कॉलेजेस के बाकी स्टूडेंट्स के तरफ से बहुत सपोर्ट मिला है। हम तीन लोग यहाँ सामने खड़े हैं लेकिन पीछे बहुत बड़ी टीम है, तो बैकएंड टीम है, हमारी वेबसाइट टीम है, हमारी जो पब्लिसिटी टीम है और जर्सी डिज़ाइन टीम है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, उन सब ने हमें हेल्प किया है, बहुत सारा हेल्प किया है। Yes. Okay.